अजीत वैब टीवी की टीम वालों आप जी का स्वागत है। मैं अजीत वैब टीवी तो हरमिंदर सिंह पिंटू नवांशहर तो आओ अज तुहाडी गल कराने आ सीनियर अकाली आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरे जी आ बल्कि दोषियों के कटहरे भी सरकार नूं होर खड़ा कर दी आ और एक दिन सरकार नूं जवाब देने लई मजबूर होना पएगा। मतलब देर आ देर नहीं बहुती देर टाल नहीं सकती, ये कटारू चक नूं बर्खास्त करना ही पएगा नहीं तो मुख्यमंत्री साहब की छुट्टी होगी। कटारू चक के मामले जे सतपाल सिंह खैरा बारे भी उन्होंने तवे अरैसट किया जाए देखो गल यही तो हैरानी वाली गल आ जे कोई गलत गल नूं जां गैर कानूनी गल नूं लोकां दे विच लैके आउंदा ते जिहड़ी सरकार आ सरकारी शक्ति की वरतों करके उहदी आवाज़ दबाउण की कोशिश करती आ यही गैर कानूनी गल आ यही मैं समझदा जाति वाली गल आ यही इस सरकार ते बहुत वड्डा कलंक आ कि ना तो यह प्रैस वालों बोलन देंदे ने मीडिया ते भी पाबंदी लोकां ते भी पाबंदी विरोधी धिर ते भी पाबंदी। मतलब जिस तरह यह लोगों की आवाज़ को सरकारी शक्ति ना दबा रहे हैं इहदा हिसाब जिस तरह अज उप चोण दे विच जलंधर दे लोग लै रहे हैं ते आउण वाले समय में समुचा पंजाब हिसाब लेगा। अज जलंधर जिमनी चोण तुसीं गए थे देखा कि 13 तरीक दे आने नतीजे किस तरह के होणगे? देखो ते अज जिस तरह साढ़े पोलिंगा ते पोलिंग बूथा ते इकट्ठ सी मैं समझदा ये नतीजे श्रोमणी अकाली दल बी एस पी के हक जाएंगे क्योंकि बी एस पी ते अकाली दल दे वर्कर इकट्ठे हो के तालमेल बना के जिस तरह इस चोण विच तुरे ने तो मैं समझदा कि 100% जित यकीनी दे संकेत ने तकड़ी दे ये भी मैं समझदा प्रशासन की मिली भुगता और असं यह शिकायत चोन कमीशन कर जा रहे हैं कि जेडे जाली आई कार्ड बनाए गए ये के किदी हदायत बनाए गए किहड़े अफसर ने बनाए गए उहदे ते एक्शन लेना चाहिए क्योंकि अदरवाइज तो यह विश्वास उठ जाएगा लोगों ते अज जिस तरह सारा जाली काम करा करिया और बहुत थावां ते फड़े गए शाहकोट दे विच जिहड़ा उन्हां दा उत्थों दा MLA सी कुंडल उह फड़िया फिर इत्थे लुधियाने रूरल